यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26। उस समय यह गीत यहूदा देश में गाया जाएगा कि हमारा तो एक दृढ़ नगर है, उसकी शहरपनाह और गढ़ का काम देने के लिए वह उद्धार को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिसका मन धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा किए हुए रहता है। यहोवा पर सदा सर्वदा भरोसा किए रहो, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वह तो ऊंचे पद वालों को झुका देता, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता है, वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वह दीनों के पांव और दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो आप सच्चाई है तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, सचमुच हम लोग तेरे न्याय के कामों की बाट जोहते आए हैं। तेरे नाम और तेरे स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय मैंने अपने जी से तेरी लालसा की है, मैं अपने संपूर्ण मन से यत्न के साथ तुझे ढूंढता हूँ, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को न सीखेगा, धर्मराज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य उसे सूझ न पड़ेगा। हे यहोवा, मेरा हाथ बढ़ाया हुआ तो है पर वे देख नहीं सकते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है और जलाएंगे और तेरी पैरी आग से भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहरेगा, जो कुछ हमने किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तुझे छोड़ और स्वामी हम पर प्रभुता करते तो थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणवादन करेंगे। वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे, उनको मरे हुए बहुत दिन हुए फिर वे नहीं उठेंगे। तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नाश किया कि वे फिर स्मरण में न आएंगे। तूने जाति को बढ़ाया, हे यहोवा, तूने जाति को बढ़ाया है, तूने अपनी महिमा दिखाई है और उस देश के सब सिवानों को तूने बढ़ाया है। हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे, जब तू उन्हें ताड़ना देता था तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे, जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐठती और पीड़ों के कारण चिल्ला उठती है। हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐठे, हम मानो वायु ही जन्माए। हमने देश के लिए उद्धार का कोई काम नहीं किया और न जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। तेरे मरे हुए लोग जीवित हो गए, मेरे मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में मिले हो जाकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देती है। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद कर दो, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अर्थात पल भर अपने आप को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को फिर न छिपा रखेंगी। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26। उस समय यह गीत यहूदा देश में गाया जाएगा कि हमारा तो एक दृढ़ नगर है, उसकी शहरपनाह और गढ़ का काम देने के लिए वह उद्धार को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिसका मन धीरज धरे हुए है,
उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा किए हुए रहता है। यहोवा पर सदा सर्वदा भरोसा किए रहो, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वह तो ऊंचे पद वालों को झुका देता, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता है। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वह दीनों के पांव और दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। तू जो आप सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, सचमुच हम लोग तेरे न्याय के कामों की बाट जोहते आए हैं। तेरे नाम और तेरे स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय मैंने अपने जी से तेरी लालसा की है। मैं अपने संपूर्ण मन से